अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे मजेदार सा एकदम जबरदस्त ढाबा स्टाइल एग करी। ये बहुत ही मजे का बनता है, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर ये आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे एक पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए मैंने 5 लहसुन की कलियाँ ली है, 5 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े और 5 हरी मिर्च। हमें यहाँ पे इसे एक दरदरा सा पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। और अगर आप ऐसे फ्रेश पिसे हुए मसाले ऐड करके बनाएंगे ना तो करी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए इस तरह से हमें एक दरदरा सा पेस्ट रेडी कर लेना है। अब दूसरी तरफ हम फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें मैं ऐड कर दूंगी 5 बॉईल किए हुए अंडे। अंडों को मैंने चारों तरफ से कट मार लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद हम ऐड कर देंगे नमक और मीडियम हीट पे हम अंडों को अच्छे से 1 मिनट के करीब फ्राई कर लेंगे, सो दैट मिर्च एंड नमक जो है अंडे के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। अब इसको हमने फ्राई कर लिया है, अब इसको साइड में रख दें और एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ले लें। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ घी। एंड तेल एंड घी जैसे ही गर्म हो जाए इसमें मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून ऑफ जीरा। इसके बाद एक तेज पत्ता ऐड कर लेंगे, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े एंड एक इलायची भी ऐड कर देंगे। हल्का सा इसे सौते कर लें मीडियम हीट पे। और इसके बाद यहाँ पे ऐड करूँगी 3 मीडियम साइज के फाइनली चॉप की हुई प्याज। और मीडियम हीट पे हम प्याज को हल्का गोल्डन कलर आने तक सौते कर लेंगे। एक बार प्याज अच्छे से गोल्डन कलर हो जाए इसमें मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट रेडी किया था ना वो यहाँ पे ऐड कर देंगे और हल्का सा उसको सौते कर लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर एंड उसके बाद 1 टेबलस्पून ऑफ धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे एंड 1 टेबलस्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो हीट पे 5 मिनट के करीब इसे हम भून लेंगे। कहीं मसाले नीचे चिपक ना जाए इसके लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और लिड क्लोज करके 5 मिनट के लिए लो हीट पे हम इसे कुक करेंगे। अब ये देखिए 5 मिनट बाद मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी 3 मीडियम साइज के फाइनली चॉप किए हुए टमाटर एंड अब मीडियम हीट पे हमें 8 से 10 मिनट के करीब टमाटर को अच्छे से पका लेना है। अब ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून दही। दही को मैंने अच्छे से पहले ही विस्क करके रख लिया था। इसके बाद नमक ऐड कर देंगे और बिना लिड क्लोज करे 5 मिनट के करीब हमें इसे अच्छे से पका लेना है। अभी देखिए 5 मिनट बाद ऑयल सेपरेट होने लगा है और मैं यहाँ पे 1.5 कप से थोड़ा कम गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। आप कभी भी करीज बना रहे हो या ग्रेवी बना रहे हो तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब लिड क्लोज करके हमें 7 से 8 मिनट के लिए लो हीट पे इसे पकाना है। अब 7 से 8 मिनट बाद ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अगर थोड़ी पतली ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें। हीट को मीडियम ही रखें और एक बॉयल आने का वेट करें। जैसे ही एक बॉईल आ जाए इसमें मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी बॉईल किए हुए अंडे और इसके बाद हम यहाँ ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़े से धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे और 2-3 कटी हुई हरी मिर्च और हम एक बार मिक्स कर लेंगे
और 2-3 मिनट के लिए मीडियम हीट पे इसे पका लें। अब ये देखिए 2-3 मिनट बाद हमारी जबरदस्त सी ढाबा स्टाइल एग करी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए हमारी मजेदार सी ढाबा स्टाइल एग करी रेडी है। इसे आप नान, रोटी या चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो किस बात की देरी है, जल्दी से आप लोग भी बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। और अगर आज का यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बराबर के बेल आइकॉन को क्लिक करिए सो दैट मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।